पिछले 80 दिन के करीब दिल्ली की सीमा पर जो किसान लगातार संघर्ष के मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के नीचे डटे हुए हैं और केंद्र सरकार लगातार जिस तरह अपनी हठधर्मता प्रदर्शित कर रही है और प्रधानमंत्री अपनी बोल बाणी द्वारा अपनी गलत भाषा द्वारा किसान आंदोलन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और आंदोलन के संबंध में जो मिथ्या भ्रम फैलाए जा रहे हैं इन सब से आम जन समुदाय को अवगत कराने हेतु संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बड़े किसान नेता 22 फरवरी को सिरसा में एक जनसभा को संबोधित एक महापंचायत को संबोधित करने जा रहे हैं जिसमें हरियाणा पंजाब राजस्थान के हजारों की संख्या में किसान शिरकत करेंगे। उस महापंचायत की तैयारी में आज जिला सिरसा के विभिन्न किसान संगठन टोल प्लाजे लंगर पक्के मोर्चे व अन्य जिला के किसान संगठनों के सैकड़ों नुमाइंदे यहां गुरुद्वारा चिल्ला साहब में एकत्र हुए हैं एवं लंबी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया है कि शहीद भगत सिंह स्टेडियम या मौसम को देखते हुए अनाज मंडी सिरसा या अन्य कोई उचित जगह जिस पर सभी की राय से सामंजस्य बन जाएगा वहाँ इस सभा को सफलतापूर्वक सिरे चढ़ाने के लिए ज़िले के तमाम किसान मजदूर दस्तकार दुकानदार कर्मचारी युवा छात्र सभी के सहयोग के लिए उनको पुरजोर निवेदन किया जाएगा। अभी विचार विमर्श चल रही है, भिन्न भिन्न कार्रवाइयों के लिए कमेटी की ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए कुछ नाम कमेटी में आए हैं, अभी खुली है, बाकी जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहा, राकेश टकैत जी गाजीपुर मोर्चा में जो डटे हुए हैं, इन सभी को हम यहाँ हमारे लोग उस दिन इनको सुनना पसंद करेंगे। सर, जगह कब तक फाइनल हो जाएगी टिकैत के प्रोग्राम को लेकर? जगह एक आध दिन में, एक आध दिन में जगह फाइनल हो जाएगी। हाँ जी।